कद्दू वाली, गजक है मुट्ठी वाली, उसके अलावा ये चीनी वाली, इसमें ये पट्टियाँ बनी हुई हैं किसी को बाहर भेजने के हिसाब से हुए हुए हैं, तो खाने में भी सॉफ्ट होते हैं। जो है सोन पापड़ी भी है, ये हल्दीराम की अभी खुबानी है, ये भी है वन क्वालिटी की है, बड़ी खुबानी है, एक छोटी भी आती है। है खाने में खुशबू नहीं होगी, जायका जो है बहुत अच्छा है। हमारे दादा ने पेठे से काम शुरू किया था, अमरीकन बादाम है बड़ा वाला, देसी घी की रेवड़ी, और ये जो है 300 रुपये ऐसी गिरी होगी इसकी, बिल्कुल 300 रुपये किलो बड़ा वाला पिस्ता है। इसमें एक छोटा आता है पिस्ता, वो नहीं है, ये बड़ा वाला होते हैं, भगत दांत वाले आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसमें पिस्ता मिला। 4-5-6 वैरायटी है गजक में, और ये मूंगफली भी जो अच्छी वाली है, पारा चनार फली है, ओरिजिनल पारा, बहुत सालों पुरानी शॉप है। जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 60-70 साल हो गए। ये बेसन वाला निम्को बना हुआ है, A1 क्वालिटी का निम्को है, इसमें एक हल्का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतने सारे आइटम है। जी बिल्कुल 120 रुपये का। ये गुड़ वाला है, चीनी वाला है, दोनों 120 रुपये से। काजू वाली चिक्की बनी हुई है, ये जो है डालने शुरू किया था, आज उनके पोते भी लगे हुए हैं। मेरा दिल कर रहा है बस मैं यहाँ पर बैठ के मैं ही खाती रहूँ यहाँ पे चीजें। बेसन का लच्छा बना हुआ है, ये जो है 640 रुपये किलो है। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई मैं आज मौजूद हूँ कल्लू भाई गजक वाली की शॉप पर। तो जैसे कि आप लोग को पता है विंटर्स आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक विंटर्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए। तो इस शॉप पर आप लोग को तमाम ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स मिल जाएंगे, गजक की बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी यहाँ पे आप लोग को मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़, और प्राइजेस भी बहुत ही मुनासिब हैं, और क्वालिटी भी A1 क्वालिटी की चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही हैं। तो मैं आज आप लोग यहाँ आकर विज़िट करवाऊँगी और देखूँगी कि हम यहाँ पर किस प्राइस में तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? अरसलान। अरसलान भाई आप अपनी शॉप का नाम बता दीजिए और एड्रेस। कल्लू भाई गजक वालों के नाम से शॉप है, और उसके अलावा एड्रेस मेन नुमाइश चौरंगी पे निज़ामी रोड जी, और डिप एंड ब्लाइंड स्कूल के बिल्कुल सामने है। सही है। तो आप ये बताएं यहाँ पर प्राइजेस की रेंज कैसी है और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? माशाल्लाह से प्राइस तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा क्वालिटी में जो है इंशाल्लाह बहुत आला किस्म की क्वालिटी है, और रेट भी मुनासिब ही है सब चीज़ों के। सही है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, बताएं प्राइजेस इसके। अच्छा, इसमें ये गुड़ वाली गजक है, मुट्ठी वाली, उसके अलावा ये चीनी वाली गजक है, ये दोनों गजक जो है 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो, ठीक है। इसी तरह जो इसमें ये पट्टियाँ बनी हुई हैं किसी को बाहर भेजने के हिसाब से, जो ये पट्टी, ये मटेरियल सब कुछ है, सिर्फ ये पट्टी बनी हुई है ताकि जो चूरा ना हो कहीं भेजने के हिसाब से। तो ये दोनों भी 800 रुपये किलो है। दोनों भी 800 रुपये किलो। दोनों से हटके फिर उसके अलावा आ जाते हैं इससे थोड़ी हाई क्वालिटी पे जी, तो ये रोटी वाली गजक कहलाती है। रोटी वाली गजक। हाँ, रोटी वाली गजक, और अक्सर जो है हैदराबादी गजक के नाम से जो है ये मशहूर है। सही है। तो ये गुड़ वाली, इसमें ये चीनी वाली, ये जो है 1000 रुपये किलो है। इसमें इसकी खासियत ये है कि कम मीठा होगा और बिल्कुल जो है अपना बगैर दांत वाले भी खा सकते हैं, खस्ता होगी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होती है। बाकी उसके अलावा लच्छा है, बेसन का लच्छा बना हुआ है, ये जो है 640 रुपये किलो है। 640 रुपये किलो, ठीक है। और उसके अलावा ये चिक्की में जो है हमारे पास वो फली वाली भी उठाना, ये काजू वाली चिक्की बनी हुई है, ये जो है 2800 रुपये किलो है, गुड़ में बनी हुई है भी प्योर। उसके अलावा ये बादाम वाली बनी हुई है, इसमें जो है ये 2400 रुपये किलो है। सही है। खोपरे वाली बनी हुई है, ये भी गुड़ में है, बिल्कुल अच्छा। ये पीस मतलब एक पैकेट कितने का मिलेगा इसके पास? ये जो है वजन के हिसाब से है। वजन के हिसाब से वजन, जो भी वजन आता है कांटे पे रख के कस्टमर जितने भी पीस दे मतलब वजन कांटे पे रख के बता देते हैं कितने का हो गया। उसके अलावा ये मूंगफली में बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है, ये 1000 रुपये किलो है। इसमें जो है ये 1000 रुपये किलो है, A1 क्वालिटी में बनी हुई है। उसके अलावा जो है ये मूंगफली वाली, ये भी मूंगफली है, गुड़ में बनी हुई है, इसमें जो है फली थोड़ी कम है, ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो है। हाँ, ये भी फली की है, ये भी फली की है, बस इसमें जो है फली बहुत ज़्यादा है और मीठा भी लाइट है इसमें। ये 1000 रुपये किलो है, ये 800 रुपये किलो है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ये तिल वाली बनी हुई है हमारे पास, ये भी प्योर गुड़ में बनी हुई है, ये 800 रुपये किलो है। सही है। अच्छा, तिल के लड्डू हैं, ये जो है तिल के लड्डू का पैकेट जो है 120 रुपये का है। 120 रुपये का। ये गुड़ वाला है, ये चीनी वाला है, दोनों 120 रुपये। फिर इससे बड़ा साइज आया था, ये जो है 240 रुपये का है। इसमें भी 25 दाने हैं और इसमें भी 25 दाने हैं, ठीक है। इसमें भी गुड़ चीनी का दोनों है। सही। और ये खोपरा है, ये खोपरा भी अपना तैयार किया हुआ है, जबकि बाजार में जो बिकता है थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है। हाँ, ये जो है बहुत अच्छा बना हुआ है खोपरा जो है, ये 150 रुपये का एक पाव का पैकेट। 150 रुपये का। उसके अलावा ये बेसन का लड्डू है, ये भी अपना तैयार किया हुआ है, वो
पान के केबिन पे बिकते हैं, ये वो नहीं है, वो नहीं है, सही, वो लो क्वालिटी होती है। अपनी अपना तैयार किया हुआ है, ये 100 रुपए का है, इसमें 10 दाने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पहलवान की रेवड़ी भी है, चकवाल से जो आती है देसी घी की रेवड़ी, और ये जो है 300 रुपए का डब्बा है, 300 रुपए का डब्बा, इसमें जो है एक पाव वाला है, और ये तमाम ओरिजिनल क्वालिटी है। जी हाँ, बिल्कुल A1 क्वालिटी, और जो है ओरिजिनल होगा। इसमें जो है दो नंबर भी आया हुआ है डब्बा, उसमें जो है डबल तस्वीर है जी, वो जो है दो नंबर डब्बा है, सिंगल तस्वीर का, सिंगल है, ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल डब्बा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तिल के लड्डू जो मैंने बताए गुड़ के, इसमें जो है एक समोसा भी बना हुआ है, समोसा वाले भी, मतलब ये जो है चपटे हुए हैं तो खाने में भी सॉफ्ट होते हैं जी, बिल्कुल सर, से डिजाइन में अच्छे लगते हैं, वो लड्डू तोड़ने में मुश्किल होता है थोड़ा, ये जो है स्क्वायर में बना हुआ है तो तोड़ने में आसानी रहती है, सही है। अच्छा, पान मसाला, ये नमकीन पान मसाला है, मतलब इसमें मीठा आइटम कुछ भी नहीं है, सही। ये जो है 1200 रुपए किलो है, उसके अलावा ये मीठा वाला है, ये जो है 640 रुपए किलो है, ठीक है। अखरोट है, ये देसी अखरोट है, 600 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो, ठीक है। होगा कड़क ये, लेकिन अंदर से गिरी इसकी बहुत अच्छी है अखरोट की, सही है। बाकी उसके अलावा जो है ये इंडिया की जो है सोन पापड़ी भी है, ये हल्दीराम की, अच्छा हाँ, ये जो है 3200 रुपए का पैकेट है, एक किलो का, सही। और उसके अलावा फिर ये चॉकलेट भी है टेस्को की, ठीक है, ये जो 360 रुपए का पैकेट, 360 रुपए जी हाँ। उसके अलावा अच्छा, ये अमेरिकन कागजी अखरोट है, ये अखरोट 600 रुपए किलो बताया ना मैंने आपको, ये देसी अखरोट है, यही पाकिस्तानी है, लेकिन कड़क बहुत है, गिरी अच्छी है लेकिन कड़क बहुत है। उसके अलावा फिर ये जो है अमेरिकन अखरोट है, ये 1120 रुपए किलो है, 1120, बिल्कुल कागजी होगा, दोनों का आपस में मिला के जो है, ये आपको मैं तोड़ के दिखा दूँ, ये देखें आप ऐसी गिरी होगी इसकी, बिल्कुल कागजी अखरोट होगा, ये 1120 रुपए किलो है, 1120 रुपए किलो है। और इसके अलावा ये कागजी बादाम है, ये 1200 रुपए किलो है, ठीक है। और ये खोपरा है सैलून का, ये 800 रुपए किलो है, ठीक है। उसके अलावा भी खुबानी है, ये भी A1 क्वालिटी की है, बड़ी खुबानी है, एक छोटी भी आती है, वो जो थोड़ी 800 रुपए 900 रुपए किलो होती है, ये जो है 1200 रुपए किलो है। उसके अलावा नरछुआरा है, ये भी A1 क्वालिटी का है, ये 800 रुपए किलो है, सही है। काला छुआरा है, 480 रुपए किलो है। और आइटम तो बहुत सारे हैं अपने पास, बहुत सारे, बिल्कुल जबरदस्त, यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतने सारे आइटम है के जी, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा फिर रानी बीज है अपना, 1600 रुपए किलो है, कम नमक वाला है ये, बिल्कुल एक इसमें ज्यादा नमक वाला आता है उसका रेट कम होता है, सही। ये चाइना बीज है, काला बीज, और ये रेवड़ी बनी हुई अपनी, जैसे मैंने पहलवान वाली रेवड़ी बताई, उसके अलावा फिर अपनी बनी हुई है, ये गुड़ वाली है, ये चीनी वाली है, ये तीनों जो है 480 रुपए किलो है, मतलब कि हर किस्म की वैरायटी मिल रही है जी, बिल्कुल बहुत सारी वैरायटियां। अभी रेवड़ी में जो है वो जैसे पहलवान की रेवड़ी बताई, ये जो है हमने इंडियन रेवड़ी बनाई है इस बार, इसमें जो है अपना दाल चीनी लौंग और पिस्ते बादाम मिले हुए हैं, बहुत सस्ता होती है जो है इंडियन रेवड़ी, इस जैसे नाम है इसका कि इंडिया में बनती है, या तो इंडिया में मिलेगी और पाकिस्तान में जो है कल्लू भाई की शॉप पे मिलेगी, ये बहुत सस्ता होती है, बहुत सॉफ्ट होती है खाने में। उसके अलावा तो ये इंडियन तिल छतरी है, ये हमने चार साल पहले बनाया था आइटम, ये भी इंडिया में बनता है आइटम, उसके अलावा फिर पाकिस्तान में जो है कल्लू भाई की दुकान पे मिलेगी, बिल्कुल। और सही है। बाकी जो है ये अमेरिकन बादाम है बड़ा वाला, ये 2800 रुपए किलो है। इसके अलावा फिर ये पिस्ता है 3200 रुपए किलो, बड़ा वाला पिस्ता है, इसमें एक छोटा आता है पिस्ता, वो नहीं है, ये बड़ा वाला पिस्ता है A1 क्वालिटी का। इसी तरह ये बादाम जो है 2200 रुपए किलो है, ये बादाम बड़ा है, ये छोटा है, दोनों एक ही, दोनों फ्रेश बादाम है, दोनों में कड़वा नहीं होगा, दोनों अमरीका है, ये 2200 रुपए किलो है। उसके अलावा फिर ये अखरोट की गिरी है, ये देसी अखरोट की गिरी है, खाने में खुशबू नहीं होगी, जायका जो है बहुत अच्छा है, देसी अखरोट की गिरी है, 2400 रुपए किलो है, 2400 रुपए। और ये इंडियन काजू है, एक इसमें वियतनाम काजू आता है, वो साइज में तो बड़ा होता है लेकिन जो है खाने में नरम होता है, दोनों इंडियन काजू है, कड़क होंगे बिल्कुल, ये 2800 रुपए किलो है, दोनों नमकीन और सादा दोनों। उसके अलावा जो है फूल मखाने का पैकेट है, आधा पाव का पैकेट बनाया हुआ है, 350 रुपए का, 350 रुपए का, ठीक है। अच्छा, गजक में मैंने आपको बताया था रोटी वाली गजक, रोटी वाली गजक के अलावा जो है ये बादाम वाली गजक है, ये बादाम वाली गजक है, गुड़ में है और चीनी में है, तो ये भी बहुत सस्ता होती है, इसमें जो है बादाम मिक्स होते हैं, ये जो है ये 1200 रुपए किलो है। और इसके अलावा ये पिस्ते वाली, ये भी बहुत सस्ता होती है, इसमें भी तेल ज़्यादा होते हैं, बगरदांत वाले आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसमें पिस्ता मिला हुआ है, सही है, तो ये जो है 1400 रुपए किलो है। इसके अलावा फिर जो है ये इंडियन गजक है, इंडियन मुट्ठी गजक, इसमें जो है दालचीनी मिली हुई होती है, अच्छा। और बिल्कुल खस्ता होती है कि बगैर दांत वाले आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसमें दालचीनी मिली हुई होती है। गजक में बहुत सारी वैरायटियां, 1 2 3 4 5 6 वैरायटियां है गजक में। अच्छा, निम्को में जो है ये बेसन वाला निम्को बना हुआ है, A1 क्वालिटी का निम्को है, इसमें एक हल्का भी आता है लेकिन वो नहीं है, और
ये जो है 720 रुपए किलो है। 720 रुपए किलो ये निमको भी और गाठिया भी और ये मूंग की दाल सारे आइटम चने की दाल हटा के सब आइटम जो 720 रुपए किलो है। 720 रुपए किलो। उसके अलावा भी गट्टे भी हैं। एक पहले जमाने में जो है तिल के लड्डू नहीं होते तो ये जो है तिल के लड्डू खिलाते हैं। जी हाँ गट्टे। अच्छा ये जो है पेठे की मिठाई है, इंडिया का पेठा माशाल्लाह। जब यहाँ पे दुकान जो है खुली थी ना तो हमारे दादा ने पेठे से काम शुरू किया था। वाओ जबरदस्त। मतलब कि ये बहुत सालों पुरानी शॉप है। जी हाँ बिल्कुल, तकरीबन 60-70 साल हो गए इस शॉप को। वाओ भाई जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह से दादा ने शुरू किया था, आज उनके पोते भी लगे हुए हैं। पोते भी लगे हुए ठीक है। और जो इसके अलावा पंजीरी के आइटम भी होते हैं हमारे पास, पंजीरी के आइटम जो मिल जाएंगे सब चीजें, बोरे सारे लगे हैं पंजीरी के आइटम्स ठीक है, सब चीजें मौजूद है। जी अरसलान भाई आप इसके बारे में बताइए, मैंने आज न्यू चीज़ देखी है, ये क्या है? जी बिल्कुल, आपने तकरीबन बचपन से अब तक जो है मूंगफली कढ़ाई में भुनते हैं, कढ़ाई में या जी ऐसा ही हो रहा था। तो ये जो है हमने नया जदीद प्लांट लगाया है मूंगफली भूनने के लिए। इसमें जो है खड़ा भी नहीं होना पड़ता साथ में और ना चलाना पड़ता है हाथ से। इसमें जो है सिर्फ मूंगफली डालो और तैयार हो जाती है, खुद ही तैयार हो जाती है। जैसे कि दिख रहा होगा कि कितने यूनिक मूंगफली जलती है और ना जो है लगती है इसमें। अच्छा अच्छी बुनाई होती है बगैर मिट्टी के, बगैर कुछ डाले जो है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है। देखें ये मूंगफली है और ये मूंगफली भी जो है अच्छी वाली है, पारा चनार फली है, ओरिजिनल पारा चनार है। 1000 रुपए किलो है ये मूंगफली ठीक है जबरदस्त। और काफी यूनिक काफी अच्छा तरीका लग रहा है, वरना मट्टी में होती है तो काफी मट्टी में बिल्कुल इसमें मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बंदा फली खाता रहे और जो है हाथ भी गंदे नहीं होते और फली भी जो है सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो चले फिर वीडियो का एंड करते हैं हम। तो भाई मैंने आज आप लोगों को कल्लू भाई गजक वाली शी शॉप का विजिट करवाया। मैं तो मतलब खुद बोलूं तो मैं तो खुद हैरान रह गई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे कि मेरा दिल कर रहा है बस मैं यहाँ पर बैठ के मैं ही खाती रहूँ यहाँ पे चीज़ें। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और प्राइजेस भी बहुत ही मुनासिब हैं। मतलब न्यू यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सर्दी के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो हमें सर्दियों में नीड होती है जिन चीज़ों की, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिल रही हैं। तो मैं आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ पर आए विजिट करें और ये चीज़ें लेकर जाएँ और अपनी सेहत बनाएँ। तो चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।